देश के करोड़ों लोगों की इच्छा है हाँ राम मंदिर बने जी। भारतीय जनता पार्टी ने वचन दिया था, अडवाणी जी ने रथ यात्रा और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भाजपा ने प्रस्ताव पारित किया था, पूरे बहुमत की सरकार आई जी, संसद ने कानून बनाकर राम मंदिर बनाई। मेरा कहना है साढ़े चार वर्षों में मंदिर क्यों नहीं बनाया, साढ़े चार वर्ष हो गए मंदिर क्यों नहीं बनाया, उनका देश की जनता को उत्तर दे। शिवसेना के बारे में मुझे कहना है कि बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व तो और राम मंदिर के लिए डटे रहे और बाला साहब ठाकरे की परंपरा हिंदुत्व और राम मंदिर के लिए ही है और राम मंदिर के लिए कोई भी अयोध्या आएगा मैं उनका व्यक्ति संस्था या राजनीतिक दल का स्वागत करूंगा। तीसरा मुझे कि जब हम विपक्ष में होते हैं तो दिए हुए वचन तो दिए जाते हैं। मैं 30 वर्षों से आरएसएस बीजेपी और विहिप की शीर्षस्थ मीटिंग में खुद रहा हूँ। आरएसएस बीजेपी साथ में बैठकर निर्णय करते हैं और यदि अयोध्या लखनऊ और दिल्ली जगह भाजपा की सरकार है और आरएसएस भाजपा के लोग साथ में बैठते हैं सत्ता आपकी है तो साढ़े चार वर्षों में मंदिर क्यों नहीं बनाया। आंदोलन सभाएं तब की जाती है विपक्ष में तो मेरा कहना है कि लखनऊ और दिल्ली की सरकार विपक्ष की सरकार मानते हैं। मुझे पूछना है कि सरकार आधे बहुमत आधे वचन दिया था साढ़े चार वर्षों में बनाने के लिए सरकार आरएसएस पर सबने दबाव बनाया और मानव दबाव बनाने के बाद आरएसएस की बात नहीं मानी तो बदला क्यों नहीं। और मैं एक साल पहले का हिस्सा था कानून बनाने का बनाया तो मेरा कहना है कि सत्ता में है और कानून नहीं बनाते और विरोध की बात की आंदोलन करते हो ये मंदिर बनाने का प्रयास है ये चुनाव में वोट एकत्रित करने का बनाने का प्रयास है मंदिर या माहौल। तीसरी बात कहना है जैसे मैंने कहा उद्धव ठाकरे का हम स्वागत करते हैं क्योंकि वह राम मंदिर के लिए आए तो 21-22 अक्टूबर को मेरे 1 लाख से ज्यादा साथियों को लेकर मैं लखनऊ से संसद में कानून बनाने की मांग लेकर शांत अहिंसा कुछ लेकर आया था। लखनऊ में खाना फेंकवा दिया पुलिस ने, अयोध्या में खाना ना मिला क्योंकि खाना बनाने नहीं किया, सोने की व्यवस्था थी सबको दबाव बनकर कैंसिल किया, सभा तक नहीं करने की। तो यह तो आरएसएस के संयोजकों की सरकार है कि राम मंदिर के लिए उनकी निष्ठा होती तो राम मंदिर के लिए शांत लोकतांत्रिक अहिंसक कोई काम करता उनका स्वागत करते सम्मान करते। हम लाखों लोगों को बुखार रखा, महिलाओं को शरीर के तट पर रात को 3 दिन तक सोना पड़ा तो आपकी राम की निष्ठा है क्या, राम मंदिर की निष्ठा है, प्रश्न खड़ा हो रहा है। और महंत जो अयोध्या के अनशन पर बैठे उनको रात को 1 बजे ले क्यों गए, वह तो कोई कुर्सी नहीं मांग रहे थे, राम का मंदिर मांग रहे थे। मैं आरएसएस और सत्ता में बैठे बंधुओं को कहता हूँ कि राम के प्रति आपकी निष्ठा है तो परमहंस जी को अयोध्या से रात को पिछड़ कर क्यों ले गए, हमारा खाना क्यों ठिकवा दिया, हमें सड़कों पर सोने क्यों दिया। और राम के प्रति निष्ठा है तो आरएसएस भाजपा साथ में बैठते हैं, साढ़े चार वर्षों पहले सत्ता ही आपने मंदिर तब क्यों नहीं बना दिया, साढ़े चार वर्षों तक चुप क्यों रहे। यानी प्रवीण भाई सीधा सीधा आपने आरोप लगाया है कि ये सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश है विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की भाजपा के साथ मिल करके। मैं वीएचपी का नाम नहीं लेता, उनको पूछता कौन है,
मैं सीधी आर एस एस और भाजपा बात कर रहा हूँ, अमीर बनाना था आर एस एस को भाजपा को, तो 4.5 वर्षों था और मैं इस मीटिंग को प्रसाद कर रहा हूँ, संसद में कानून से मंदिर बनाने का दफा 4.5 वर्षों में नहीं किया है। क्यों नहीं किया? यह तो प्रयास माहौल बनाना है। शिवसेना के साथ में आप एग्री हैं? नहीं, माहौल बनाने का प्रयास है और सपा बसपा कांग्रेस जैसे जो दल है वो हिंदू विरोधी कैसे हैं वो दिखाने का प्रयास है। अब कहते हैं कि मंदिर हम ही बनाएंगे, सबको पता था सपा बसपा कांग्रेस मंदिर नहीं बनाने वाले हैं, भाजपा बना सकता है, इसलिए 4.5 वर्षों में मंदिर क्यों नहीं बनाया? ये माहौल बनाने का काम है चुनाव के लिए, दूसरे दलों को हिंदू विरोधी दिखाना है, दूसरे दल हिंदू विरोधी होने से आप राम मंदिर बनाने वाले कैसे बन सकते हैं? और यहाँ मॉडल की बात है, मॉडल तो नेवियासी में अहमदाबाद से बनाकर 89 अहमदाबाद से बनाकर उस समय के प्रयाग के कुंभ में मैं डॉक्टर प्रवीण टोकरिया लाया था और वही मॉडल आज कार सेवकपुरम में है, जो लोग दर्शन करते हैं, मॉडल लाने का काम अहमदाबाद में मैंने किया था। आज नए मॉडल की बात कर रहे हैं, ये तो 89 में तय हुआ था धर्म संस्कृति जी। थैंक यू, नमस्कार जी, थैंक यू भाई।